If ABC are in AP, then what can we say? So we can say A plus K, comma B plus K, comma C plus K are in AP. Can we say are in Yes, AP? sir. Yes. We can say that A plus K, B plus K, C plus K are in AP. इसके लिए एक राइट साइड में छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल देखो आप 2, 4, 6 एपी में हैं. अब अगर आप इसमें कोई नंबर आप मन का नंबर 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5, 7, 9. अभी भी एपी में देखो इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके भी बीच में डिफरेंस 2 का है. तो इसका मतलब है कि ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के आर इन ए पी. सिमिलरली वी कैन से दैट ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के आर इन ए पी. ये भी ए पी में होंगे. तो इसके लिए भी हम इस एग्जाम्पल से उसको वेरीफाई कर लेते हैं. तो वेरीफाई कैसे करेंगे? कोई एक नंबर ले लेंगे, वो माइनस करेंगे. तो अभी हमने +3 लिया था, अब मैं मान लीजिए हमने -4 ले लिया, तो हम इस 2, 4, 6 में से -4 कर देंगे. तो -4 करेंगे तो ये जाएगा -2, 0 और 2. अब आप इनका डिफरेंस देखो 2 है, इनका डिफरेंस देखो 2, अगेन इट इज एन एपी. तो इट इज वेरीफाइड. वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल तो नहीं कह सकते, पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. क्या ईजी है अंडरस्टैंड करना, मैंने समझना कि ये एपी में है. तो हमने ये भी बात समझ ली कि ये ए माइनस के, अगर कोई कॉमन नंबर हम तीनों में से माइनस करते हैं तो भी वो सीरीज जो है वो एपी में ही रहेगी. और अगला कंसेप्ट है ए इंटू के, बी इंटू के, सी इंटू के. अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एपी में रहेगा. तो वो भी कायम रहेगा, एपी में रहेगा. तो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे तो हमको संतोष हो जाएगा कि हाँ ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है. हमारे नंबर्स हमने बेसिक नंबर 2, 4, 6 लिए थे. 2, 4, 6 में आप कोई नंबर 5 इंटू कर दीजिए तो 5 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5, 2 जा 10, 5, 4 जा 20 और 5, 6 जा 30. अब ये देखो आप इसमें डिफरेंस 10 का है, इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 10 का है. तो इसका मतलब है फिर ये एपी में. तो इसका मतलब ये भी बात लगभग लगभग हमको ट्रू लग रही है ना? इट लुक्स ट्रू. अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो नो इशू, आप इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें तो आपको वही आएगा. क्या आएगा? ऊपर वाली कंडीशन. देखो मैं आपको बताता हूँ, बी के माइनस ए के इज इक्वल टू सी के माइनस बी के. तो के कैन बी टेकन कॉमन, बी माइनस ए, सी माइनस बी के. के के कैन बी कैंसल्ड, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी आ गया. बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी का मतलब ये हो गया कि ए बी सी क्या हो गए, ए ए दे आर इन ए पी, वो ए पी में है. अब अगली बात है जो वो भी हम समझते हैं कि ए अपॉन के, ध्यान से देखिएगा, ए अपॉन के, ए अपॉन के, बी अपॉन के, सी अपॉन के, ये भी एपी में ही होंगे, आर इन एपी. यू कैन नोट डाउन साइमल्टेनियसली. ये एपी में क्यों होंगे? तो ये एपी में इसलिए होंगे. तो एक उसके लिए भी हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ साथ में समझने के हिसाब से, या राइट साइड में, जिससे हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं. आपका बेसिक नंबर क्या लिया था हमने? 2, 4, 6 लिया था कि 2, 4, 6 एपी में है. अब आप इसको किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो मान लीजिए आपके मन में आ गया 7 से डिवाइड कर दें, तो आप डिवाइड कर दो 7 से. 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वाई कीप दिस थिंग इन माइंड, के शुड नॉट बी 0. तो 2/7, 4/7, माइनस के नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हैं 6/7. अब आप वेरीफाई कर लो कि इनका डिफरेंस एपी में है कि नहीं. तो 4/7 माइनस 2/7, 2/7, 6/7 माइनस 4/7, अगेन 2/7. तो ये भी एपी में है. तो अगर अपने पास एट द लास्ट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है
तो हम कोई भी नंबर उनमें तीनों में ऐड करेंगे तो भी एपी में रहेगा, कोई भी नंबर तीनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एपी में रहेगा, कोई भी नंबर हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में रहेगा, कोई नंबर तीनों से डिवाइड करेंगे तो भी एपी में रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? कुछ क्वेश्चंस अपन छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं और बड़े अलार्मिंग और आज अच्छे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपसे कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, इज इट ट्रू? तो कभी ऐसी बात आती है, ये एक स्टेटमेंट है एंड योर आंसर शुड बी ट्रू और फॉल्स। तो आप कोई आंसर दे रहे हैं क्या? फॉल्स वेरी नाइस, फॉल्स। ओके नाइस। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले लें, है ना, जो मैं और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ समझाने की। 1 2 3 एबीसी आपने ले लिए तीन नंबर्स जो एपी में, और अब उनके स्क्वायर्स करके देख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 4 और 9। अब आप इनका डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 5 है, तो ये तो इक्वल नहीं है और ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और ये एपी है, 1 2 3 इज एन एपी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ भी डिफरेंस 1 है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब था आपका। अब हम क्वेश्चंस समझने की कोशिश करते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, इफ बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी। तो जो अभी तक का ट्रेडिशनल अप्रोच था वो था कि सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड करते थे, लेकिन हम थोड़ी सी अभी अप्रोच बदलने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कैसे करते हैं आप। बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी दीज आर इन ए पी, इसमें से क्या ऐसे नंबर माइनस करें कि जिससे हमारा काम बहुत आसान सा हो जाए? तो मैं आपको बताता हूं, आप तीनों में से ये माइनस करिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी सब में से माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में से भी, सेकंड में भी, थर्ड, तीनों में से। तो आप पहले वाले को क्या लिखेंगे, बी प्लस सी माइनस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी आर इन ए पी, बस इतना ही लिखना है आपको, दे आर इन ए पी। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, जैसे इसमें पहले वाले में से बी और सी कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया, दूसरे वाले में से सी और ए कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दिए, ये ए और बी कैंसिल हो रहे हैं, ये और बी कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या आया वो लिखते हैं, तो इम्प्लाइज, यूज दिस सिंबल इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मीन्स इट शोज दैट माइनस ए और माइनस ए बिकम्स माइनस टू ए, माइनस बी और माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी, और आखिरी वाला यू कैन सी माइनस सी माइनस टू सी आर इन ए पी, दे आर इन ए पी, ये भी ए पी में है। अब आपको बहुत अच्छे से विजन क्लियर हो गया होगा कि क्या
करना है आपको, तो सबको माइनस टू से डिवाइड कर दो, एक नंबर से माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं हम, तो भी ये क्या हो जाएंगे, दे आर इन एपी। क्या किया हमने, डिवाइडिंग ऑल द नंबर्स बाय माइनस टू, तो आपके पास आउटकम आ गया कि ए बी सी आर इन एपी। एक आसान तरीका था, सेकंड अप्रोच जो प्रूव करने की, कि बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी अगर एपी में है तो ए बी सी एपी में कैसे होंगे, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इफ क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन प्रूव दैट वन अपॉन बी सी, वन अपॉन ए सी, वन अपॉन ए बी आर इन एपी, ये एपी में है। तो इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, ए बी सी, वी आर गिवन दैट ए बी सी आर इन एपी। अब हमें लाना क्या है, वन अपॉन बी सी, वन अपॉन ए सी, वन अपॉन ए बी लाना है। तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम से कि कुछ से डिवाइड करें, तो ऐसा क्या नंबर है, तो आपका विजन अब बढ़ता जा रहा होगा। आप अगर वेरी गुड, ग्रेट। तो अगर हम सबको ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ए अपॉन ए बी सी, बी अपॉन ए बी सी, सी अपॉन ए बी सी, दे आर इन ए पी, दे आर इन ए पी। अब ए से ए को कैंसिल कर दें, वन अपॉन बी सी, एक झटके में ही हमें आभास हो गया कि कौन ए पी में होगा, तो दे विल बिकम इन ए पी, आर इन ए पी। तो ये भी एक ऑल्टरनेट प्रूफ है, जो आपका यूजुअल प्रूफ था वो तो दैट इज देयर, आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट, पर ये एक नया अप्रोच है। जो आपका यूजुअल प्रूफ था वो था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों को आप इक्वेट करते थे और इक्वेट करने से आपको पता लग जाता था। नाउ वी कम टू अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, उस पे फोकस करते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। Question is this, if you can note down, if A into 1 upon B plus 1 upon C, B into 1 upon A plus 1 upon C, a very important question is this, please note down simultaneously. R in AP if these are in AP then prove that ABC are in AP, ABC are in AP. I think the question is clear to you now. Let's start its solution or proof, whatsoever you wish to say, you can say. What we are given, let's start with the given, A upon A into 1 by B plus 1 by C, B into 1 upon A plus 1 upon C, C into 1 upon A plus 1 upon B. These numbers are in AP as we are given. These are in AP. Let's simplify so that our vision will be clear. So A into, taking LCM in bracket, BC and it will be B plus C. B into A plus C. A plus C upon AC. C
इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी इवन दे आर इन ए पी. नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन आवर मेथड इज वेरी अप्रोप्रिएट, बट यूजिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकेंड मे बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो दिस वी कैन राइट ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी कॉमा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी कॉमा ए सी अप प्लस बी सी अपॉन ए बी दे आर इन ए पी दे आर इन ए पी. एंड इफ वी विश टू सेव टाइम नाउ, सपोज इफ यू विश टू सेव टाइम, सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेप वी कैन एड प्लस वन इन ऑल द टर्म्स. सो ऑन एडिंग प्लस वन इज देयर एनी हार्म? नो हार्म एट ऑल, नो हार्म एट ऑल, बिकॉज अ कॉन्स्टेंट कैन बी एडेड टू ऑल द टर्म्स एज वी हैव सीन, एंड आफ्टर एडिंग अ कॉन्स्टेंट द टर्म्स रिमेन इन ए पी. So no harm in adding one to all. Okay. So if we have added one to all, we can take LCM now. So it becomes AB plus. And if we wish to write ABC in cyclic order, means A, then B, then C, and then A, means B after A, C after B, and A after C. So AC we can write as CA to maintain a cyclic order. And if you don't write like this, no problem, no harm. As if you want that it should remain as it is, no problem at all. Plus BC upon BC. Second term will be AB plus BC. Cyclic order is already maintained, plus denominator is AC, which we can write AC or CA, it is same. And up in denominator, even in denominator we can write CA. In numerator, the first term is AC, which we can write as CA plus BC to maintain cyclic order, A after C upon AB. These are in AP. I think it is clear to you now that it should be divided by what? You may answer. AB plus AC plus BC. Excellent, excellent, excellent. I am proud of you all that we should divide the whole expression by AB plus BC plus AC or CA. Okay, so on dividing all these terms by a fixed number, by a constant, we can say the resultant remains in AP. So after dividing, this will become 1 by BC, 1 by CA, and 1 by AB. These are in AP. AP. Now we can multiply. Multiply all the terms by ABC. So the outcome will be ABC upon BC is A, ABC upon CA will be B, ABC upon AB will be C. They are in AP. So you have experienced, I think, that what a nice approach is this, that use a little bit concept of AP, that any constant can be added to all the terms can be divided by a constant, all the terms can be multiplied by a constant, and in this way ABC are in AP. So is it clear to you or not? I hope it is clear. Any doubt? Yes, sir. Next question.
Now let's come to another question. If a square b plus c comma b square a plus c comma c square a plus b are in AP, then prove that ABC are in AP. Or the same question can be asked in reverse order. Let's mind this. This question can be asked in this way. If ABC are in AP, then prove that A square B plus C, B square A plus C, C square A plus B are in AP. So suppose if question is asked in alternate mode, will it be more difficult to answer? No. Both are having same concept, same technique of solution. Let us see what is that technique. So try to start from the more stuff. So more stuff means what? The more information we have. So the more information is this, that these three numbers on which are being underlined, that these three numbers are in AP, or you can say that these three terms are in AP. So A square B plus C comma B square A plus C comma C square A plus B are in AP. Now you can say that for answering the alternate choice of question, this way is not correct, because the thing which we have to prove, we are considering that this is true. So no harm in considering this, but instead of this symbol, what symbol you usually use, this symbol that this implies. So instead of this symbol, you use this kind of symbol. And this symbol says if and only if and only if. Means from this symbol says that you can go in both the direction. Means from this direction to that, like, wait, this is for if and only if. If and only if. And sometimes it is read as I double F if. And this is like this, or you may use this symbol. Both are same thing. So this says that. What does it say means? Suppose if I divide now, divide both the sides by ABC. What will happen? Sorry, if I divide all the terms by ABC, what will happen? The first term will become A into B plus C upon BC, comma B into A plus C upon AC, C into A plus B upon AB. These are in what? They are in AP. And this symbol says, what does it say? Now we can understand that from the first step we can find the second, and similarly from the second we can find the first. Means we can go in both the directions. So to
इफ यू आर कंसीडरिंग दैट वी आर गिवन, वी आर सपोज टू प्रूव दिस एंड फ्रॉम द थिंग वॉट वी हैव टू प्रूव, वी आर कंसीडरिंग दैट टर्म एंड वॉट वी आर गिवन, वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट. So instead of this symbol means instead of implication symbol, you need to use double implication symbol. And if you are using this symbol, then only you can take the condition what you are supposed to prove. So if you are considering this condition that we are supposed to prove this is true, double implication says that these numbers are in AP after dividing all the terms by ABC. Now you can see that this is similar to what? Similar to above question. Now it is similar to above question. So after this step, you know how to proceed. Is it clear to you all or not? Aap batayein.